नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहीद राव तुलाराम और अन्य शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने रेवाड़ी पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि शहीदी दिवस बलिदानियों को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोगों में देशभक्ति का खास जज्बा है, इसलिए दक्षिण हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं। आने वाली पीढ़ियों को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। रेवाड़ी ही नहीं, पूरे देश में शहीदी दिवस कहीं भी मनाया जा सकता है। शहीदों के नाम पर स्कूलों के नामकरण करने पर उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पर स्कूलों का नामकरण होने से नई पीढ़ी को शहीदों से प्रेरणा मिलेगी। शहीद परिवारों के लिए भाजपा जजपा सरकार का विशेष ध्यान है। सम्मान के साथ शहीदों के आश्रितों को सरकार की ओर से नौकरी भी दी जा रही है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं और शहीदों की वजह से ही आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो शहीद राव तुलाराम के साथ साथ उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया। और हम सब लोगों को अपने शहीदों का मान सम्मान करना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी, ताकि पता लगे कि हमारे जो बुजुर्गों ने जिस आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, काफ़ी बलिदान किए। तो हम सब लोग आज शहीदों को याद करने यहाँ आए। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अपना संसदीय क्षेत्र छोड़कर झज्जर में शहीदी सम्मान समारोह करना, कहाँ तक? देखो, शहीद कोई एक जाति का या एक धर्म का या किसी एरिया का नहीं होता। शहीद शहीद होता है, शहीद पूरे देश का होता है। तो राव तुलाराम जी कोई रेवाड़ी के ही तो शहीद थोड़े नहीं थे, पूरे देश के लिए शहीद हुए थे। तो हम ये नहीं कह सकते भाई इस एरिया में क्यों करा, उस एरिया में क्यों, कहीं भी कर सकते हैं। किस तरीके की प्रेरणा मिलेगी, सरकार का कैसा कदम है? हमारी सरकार ने, आपको पता होगा कि जो शहीद हुए उन लोगों के आश्रितों के बच्चों को नौकरियां भी दी हैं। लगभग 250 बच्चों को नौकरी दी है हमारी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के आने के बाद। और शहीदों के मान सम्मान के लिए जो एक्सप्रेशिया की जो राशि थी उसको भी 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया है। और जो भी शहीदों के सम्मान में किया जाता है, चाहे स्कूल का नाम हो, चाहे किसी रोड का नाम हो, चाहे किसी स्टेडियम का नाम हो, ये सब हमारी सरकार करती है। तो ये एक अच्छी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और जो गांव के बच्चे हैं उनको भी ये लगेगा कि भाई हमारे गांव के किसी शहीद के नाम से ये स्कूल का नाम, रोड का नाम या किसी संस्था का नाम। ठीक है, लोगों को नमन करने के लिए राव तुलाराम स्मारक पर हाजिर हुए और उनको फूलमाला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। और शहीद हमारे आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत बलिदान दिए। तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने शहीदों को याद करें। और राव तुलाराम जी के साथ साथ मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और हमारे दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है, फौजियों की खान कहा जाता है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना में भर्ती होते हैं और एक देशभक्ति की भावना है। तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने बुजुर्गों को याद करें और आने वाली पीढ़ी को भी, ताकि पता लगे कि हमारे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी के लिए कितना बलिदान किया है। और आज उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो हम सब लोग उनको याद। पटोदा में भी एक शहीदी समारोह का आयोजन किया गया। हाँ, आज पटोदा में भी माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी पहुँचेंगे और उनकी मुख्य अतिथि हैं वो। और पटोदा के अंदर भी शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। और शहीदी दिवस तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मनाया जा सकता है, क्योंकि राव तुलाराम जी कोई रेवाड़ी के लिए थोड़े शहीद हुए, पूरे देश के लिए शहीद हुए थे। तो कहीं भी मना सकते हैं, पटोदा में भी, कहीं भी, पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में। तो आज जिले के जो 27 स्कूल। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।